Hello students, I hope you are fine. Welcome to EVS class. My name is Ms. Vipul. I am your EVS teacher. In our previous video, we have discussed about air, atmosphere and composition of air. In this video, we shall discuss the uses of air and properties of air. Let's continue the topic with uses of air. As you know, air is useful in many ways. The first use is, it is used for breathing. अब ब्रीदिंग क्या होता है? चैप्टर के स्टार्ट में हमने एक एक्टिविटी की थी, टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. द प्रोसेस इन विच वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग. द एयर वी टेक इन कॉल्ड इनहेल एयर एंड द एयर वी गिव आउट इज कॉल्ड एक्सहेल एयर. ओके, नेक्स्ट इज बर्निंग. जो एयर है वो हमारी हेल्प करती है बर्निंग में. अब बर्निंग में जो गैस या ऑक्सीजन वो हमारी हेल्प करती है. सो वी विल डू एन एक्टिविटी हेयर टू अंडरस्टैंड इट. ओके, आई हैव टेकन टू कैंडल्स एंड आई हैव बर्निंग बोथ द कैंडल्स. नाउ आई हैव टेकन अ ग्लास एंड आई एम कवरिंग अ कैंडल विद द ग्लास. Now we have to see what will happen after some time. You can see this candle has put off. Why? Because it is not getting the air. अब इसको air मिलना बंद हो गई है. ये कुछ time के लिए जली जब तक इसको air की supply मिल रही थी, लेकिन जो दूसरी कैंडल है वो अभी भी कंटिन्यू बर्न कर रही है. बिकॉज इट इज गेटिंग एयर कंटिन्यूअसली, सो इट प्रूव्स दैट एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग. नाउ थर्ड यूज इज टू इन्फ्लेट द थिंग्स. अगर किसी चीज को इन्फ्लेट करना है, यानी कि फ्लैट से उसको इन्फ्लेट करना है, तो भी एयर की नीड होगी. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट इज द फ्लैट बैलून एंड when we put air into it, it get inflated. In our daily life, we use tires, tubes, bathtubs. So air is also used to inflate those things also. And you use football for playing. Sometimes it gets punctured, then you go to the air pump to fill the air in it. So air is used to inflate the things also. Now we will revise. Air is used for breathing, burning and to inflate the things. Coming to the next topic, properties of air. अब जो air की properties है वो क्या क्या होती है. First, it occupies space. जो air है उसको क्या चाहिए, space चाहिए. अभी जैसे हमने एक activity की थी candle वाली, तो उसमें आपने देखा था कि जो glass था जब हमने उसको turn किया तो कुछ देर तक कैंडल जली. क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ एयर प्रेजेंट थी. तो ये प्रूव करता है कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस. एंड दिस बैलून आल्सो हैज द एयर इन इट, तो इसमें भी जो एयर है उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है. सो इट प्रूव दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. नाउ नेक्स्ट इज एयर हैज वेट. द एयर इज वेरी लाइट बट इट हैज वेट. वी विल डू एन एक्सपेरिमेंट फॉर इट ऑल्सो. हेयर आई हैव टेकन अ बैलेंस. देखिए दोनों बैलून्स है, अगर इनको हमने इस तरह से होल्ड किया हुआ है, दोनों सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं. ओके, तो दोनों का वेट क्या है, इक्वल है. अब मैं क्या करती हूँ, एक बैलून को प्रिक करती हूँ. ओके, तो अब आप देखेंगे क्या है, जो दूसरी साइड है वो क्या हो गई है, डाउन साइड चली गई है. वाई? बिकॉज इट इज हैवियर एंड इट इज लाइटर. तो इट प्रूव दैट द एयर हैज वेट इन इट. ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट हैज प्रेशर. जो एयर है वो क्या करती है, प्रेशर डालती है चीजों पे, और इसमें प्रेशर होता है. इसको भी आप सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे. व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, ही इंजेक्ट्स यू समटाइम, हियर इज द इंजेक्शन. देखिए इसमें अगर इस टाइप से उसने उसको पुशअप किया होता है, पुशअप किया तो क्या है, इसके अंदर एयर है. तो सबसे पहले वो क्या करता है, पुल्ड आउट करता है एयर को. ओके, उसके बाद इसको मेडिसिन फिल करता है इंजेक्शन में, इसको पुश अप करके. सो इट प्रूव्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एंड द सेम मैनर द पिचकारी यू यूज एट होली, दैट आल्सो वर्क्स ऑन सेम प्रिंसिपल. एंड एयर प्रेशर आल्सो हेल्प अस इन
डेली लाइफ इन मैनी एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल वेन यू ड्रिंक फ्रूट टी और जूसेस यू यूज स्ट्रॉ. तो जब स्ट्रॉ हम यूज करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, हम एयर को सक करते हैं, उसके बाद ही हमारा जो लिक्विड है वो ऊपर आना स्टार्ट होता है. एंड नेक्स्ट समटाइम्स वी यूज ड्रॉपर फॉर मेडिसिन. ड्रॉपर जब हम यूज करते हैं तो उसको हम पहले पुश करते हैं, तो पुश करते हैं तो जो एयर उसके अंदर प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, बाहर जाती रहती है. उसके बाद जो मेडिसिन है लिक्विड है उसके अंदर फिल होना स्टार्ट होता है. सो वी हैव डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. इट ऑक्यूपाइज स्पेस, इट हैज वेट एंड इट हैज प्रेशर. लेट्स रीकैप व्हाट वी हैव लर्न. यूजेस ऑफ एयर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. In our next video, we will discuss about air pollution, its causes and effects, and prevention of air pollution. You will get an assignment related to this video very soon on ERP. If you have any doubt related to this video, you can contact me anytime.